ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, या सिर्फ इंसान ही इंसान है। वल माल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, जीना है वहाँ तक माल दौलत है, बाकी सब कुछ जिंदा होने का, जिंदा मर गए बाद कुछ नहीं है। गरीबों को नवाजने वाले गरीब नवाज है, यहाँ से हर खुशी की चाहे दुआएं तमन्नाएं हर वक्त तक पूरी होती है, या हर किसी को नवाजते हैं। यहाँ आने वाला कोई भी किसी भी कौम का हो उनकी नज़र में सब एक शरीक है, यानी गरीब नवाज हर हिंदुस्तान के सभी के गरीब नवाज है। हक मुईन या मुईन, अरे आका नबी अकरम मुहम्मद की तरह फिरार करने वाले मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज से 850 साल पहले यहाँ भेजा है। मेरे नबी साहब की भी दुआ हिंदुस्तान के लिए। الله الله سبحان الله سبحان الله نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان یا صرف انسان ہی انسان ہے والمال والبنون زینت الحیات الدنیا جینا ہے وہاں تک مال دولت ہے باقی سب کچھ जिंदा होने का, जिंदा मर गए बाद कुछ नहीं है। या अल्लाह माजा के सदके में हमारी सबको दुआओं को कबूल फरमा। से आया हूँ माजा के दरबार में हाजिरी देने, सब दिलों को एक साथ जोड़ दे और हिंदुस्तान का पूरी कायनात का ख्याल रखे ख्वाजा साहब। गरीब नवाज के दर से कोई खाली नहीं जाता, हक मुईन या मुईन, ये गरीबों को नवाजने वाले गरीब नवाज है। यहाँ से हर खुशी की चाहे दुआएं तमन्नाएं हर वक्त तक पूरी होती है, या हर किसी को नवाजते हैं। यहाँ आने वाला कोई भी किसी भी कौम का हो उनकी नज़र में सब एक शरीक है, यानी गरीब नवाज हर हिंदुस्तान के सभी के गरीब नवाज है। हक मुईन या मुईन। अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा ख्वाजगा गरीब नवाज के दरबार में मैं रंजीत सिंह राठौर ख्वाजा गरीब नवाज के करम से और दुआओं से बार काउंसिल ऑफ गुजरात का मेंबर सिटिंग मेंबर हूँ। और हमारे बापू विलायत बापू के पास हर जब जब हम आते थे उनके पास यहाँ जियारत करवाते हैं, और बापू हमारे लिए और सबके लिए दुआ करते हैं, हमारे परिवार के लिए दुआ करते हैं, हम हमारे दोस्तों और हमारे पूरे वकील आलम के लिए दुआ की बात करते हैं, उसके लिए भी दुआ करते हैं। और हमारी गरीब नवाज से यही आजीज जी दुआ है, हम दुआ मांगते हैं कि हमारा हिंदुस्तान इसको किसी की भी नजर ना लगे, और हिंदुस्तान में से बिल्कुल जो बुराई है जो जो भी गलतियां को करने वाला है उसको दूर कर दे, और पूरे हिंदुस्तान में सुकून का और बिल्कुल अमन का माहौल बना रहे। और अल्लाह से गरीब नवाज के सदके में ये दुआ मांगते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में फिर से बिल्कुल अमन और मोहब्बत का पैगाम रहे और सब मिलजुल के रहे, ऐसी हमारी दुआ भी है। और हम सब दोस्तों यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आते तो ख्वाजा गरीब नवाज को यहाँ हमारे आका नबी अकरम मुहम्मद की तरह फिरार करने वाले मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज से 850 साल पहले यहाँ भेजा है। मेरे नबी साहब की भी दुआ हिंदुस्तान के लिए, और इसलिए हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा की दुआ है। बस यही दुआ पूरे हिंदुस्तान को खुश और नेक रखे। मैं मेरे सब दोस्तों की तरफ से मैं एक दुआ मांगता हूँ दरबार में कि मेरे दोस्त शकील के मधर जो अभी जन्नत नशीन हुए उनको आपके दरबार में रखे। मैं एडवोकेट राजेश धोबी बड़ौदा गुजरात से आया हूँ ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में मेरे अजीज दोस्तों के साथ। ख्वाजा गरीब नवाज हर एक दोस्त की हर एक मुराद पूरी करे, उनकी ये कोई भी मुश्किल है ख्वाजा गरीब नवाज आसान करें। और आज हमको विलायत भवन ने ज्यारत कराई है, और उनके कर्म से उनकी दुआओं के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की उस काम ने हमारी दरख्वास्त किया है। ख्वाजा गरीब नवाज हर एक की मुश्किल आसान करें और हर एक की मुराद पूरी करें, और हिंदुस्तान में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हिंदुस्तान का हर एक आदमी एक होके रहे और हिंदुस्तान आबाद रहे। मेरी एक ये इल्तिजा है गरीब नवाज के तमाम आशिकों से कि गरीब नवाज के बारे में जितने भी आशिक हाजिर होते हैं वो कॉन्टैक्ट करके आएँ,
دلا کر کے آئیں, انفارم کر کے آئیں, تو ہم ان کا انتظام بہتر سے بہتر کر سکیں. غریب نواز کا جو ایک الفاظ ہے, جو ایک مقصد ہے, جو ایک سنستھا چلاتی ہے, انجمن دربار عالیہ کا آفس ہے, اور غریب نواز کا مقصد ہے کہ انسانیت کا پرچم زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا, اس کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو یہ سرکار کے عاشق مجسٹریٹ بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, ایڈوکیٹ بھی ہیں, ہم ان کے وکیل ہیں دعا کو غریب نواز کی بارگاہ میں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی عاشق حاضر ہوتے ہیں, جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے, ان کے پریوار کو, ان کے بیوی بچوں کو سلامت رکھے. ایسی ہم دعا کرتے ہیں اور سرکار سے امید کرتے ہیں کامیابی کے ساتھ بلائیں. میں شکیل احمد نقوم بروڑا سے ہوں, گجرات, اور ابھی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج آنند ہوں. خواجہ کے دربار میں خاص مدد لے کے آئے اور خواجہ صاحب ہماری میں محمد حنیف شیخ بڑودا سے ایڈوکیٹ ہوں, اور خواجہ صاحب کے دربار میں ہم آئے ہیں. ان سے یہی اطلاع ہے کہ بھائی ہم پورے جو بھی آئے ہیں ان کی خواہشیں پوری کریں, اور پورے ہندوستان میں پیار اور سکون کا ماحول بنا رہے, ایسی ہماری دعا ہے. میں جتن وکیل ہوں, ایڈوکیٹ ہوں بروڑا سے, میرے دوستوں کے ساتھ دربار میں آیا ہوں. کسی اور کسی کی تکلیف دور کرے خواجہ, سب دوستوں ہیں, میرے یاروں ہیں, سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ہر تکلیف, ہر خوشیاں ان کو دیں.